hello everyone you are watching video on hibernate this is the lecture number 6 on the hibernate in this video we will discuss how to perform crud operations in hibernate here crud means create read update and delete so as i told you c stands for create it means inserting the record R stands for read. It means selecting the record. U stands for update. It means modifying the record. D stands for delete. It means removing the record. So let us get started now. Very first, we will discuss all the Hibernate session methods which are used to perform the CRUD operation. Okay. And the very first method is save method. सेव मेथड इज यूज टू सेव स्टेट ऑफ द बीन ऑब्जेक्ट सेव मेथड बीन ऑब्जेक्ट के स्टेट को सेव करने के काम में आता है इन जनरल हम कह सकते हैं कि बीन ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को यूज करके डेटाबेस टेबल में एक रो इंसर्ट करने के काम में आता है नेक्स्ट इज अपडेट मेथड अपडेट मेथड इज यूज टू अपडेट रो फ्रॉम ऑब्जेक्ट कंटेंट अपडेट मेथड जो है वह बीन ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट से डेटाबेस टेबल के किसी रो को अपडेट करने के काम में आता है यहाँ पे जो रो अपडेट किया जाएगा उस रो का प्राइमरी की की वैल्यू और जिस ऑब्जेक्ट के कंटेंट से अपडेट किया जाएगा उसके आइडेंटिफायर वैल्यू मैच करना चाहिए तभी जो रिकॉर्ड है वो अपडेट होगा नेक्स्ट इज डिलीट मैथड डिलीट मैथड इज यूज टू डिलीट रो करस्पॉन्डिंग टू डिलीट मेथड जो है वह एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के काम में आता है बट यहाँ पे वही रो डिलीट होगा जिस रो की प्राइमरी की की वैल्यू बीन ऑब्जेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी की वैल्यू से मैच कर जाएगी और वह रिकॉर्ड ही डिलीट होगा नेक्स्ट इज गेट मेथड गेट मेथड इज यूज टू सेलेक्ट रो डेटा फॉर प्रोवाइडेड आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी यानी गेट मेथड जो है सबसे पहले गेट मेथड में हम जो आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो रो प्रेजेंट है उसका रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा एंड देन क्रिएट बीन ऑब्जेक्ट यूजिंग सेलेक्टेड कंटेंट अब जो कंटेंट सेलेक्ट किया हुआ है उस कंटेंट को यूज करके बीन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा And then, वो bean class का जो ऑब्जेक्ट है वह रिटर्न हो जाएगा सो दिस इज दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक रो को सिलेक्ट select करके प्रोवाइड कर देगा सो दिसेक्टिंग द रिकॉर्ड सेम थिंगन बी डन यूजिंग द लोड मैथड सो वट एवर बी डू यूजिंग द गेट मेथड कैन बी डन यूजिंग द लोड मेथड यानी लोड मेथड भी क्या करेगा आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी के करस्पोडिंग ए रोक के कंटेंट को सिलेक्ट करेगा फिर सेलेक्टेड कंटेंट को यूज करके एक बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और वो बीन का ऑब्जेक्ट हमें सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड लोड मैथड डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट नो वी विल जस्ट परफॉर्म द क्रड ऑपरेशन यूजिंग सो यहाँ पे हमने थे पार्ट डिस्कस किया इन मेथड्स से रिलेटेड अब इन्हीं मेथड्स को हम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे और देखेंगे कैसे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट का टास्क परफॉर्म कर नाउ वी विल क्रिएट वन मेवन प्रोजेक्ट टू डिस्कस दीज हाइबरनेट मेथड्स, बट इक्लिप्स के अंदर हाइबरनेट uh, को uh, डिस्कस करने के लिए मेवन प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं यह मैं पहले ही आ, बता चुका हूँ सो so, वो प्रोग्राम मैं फिर से नहीं बताऊँगा यहाँ मैं एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट का यूज़ करूँगा सो so दैट हम उसमें इन हाइबरनेट मेथड्स को डिस्कस कर सकें सो so, यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ यदि आपको मेवेन प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता है और उसमें हाइबरनेट प्रोजेक्ट कैसे क्या क्रिएट हम करेंगे और हाइबरनेट uh, कैसे यूज करेंगे या नहीं आता है तो इसी वीडियो सीरीज के प्रीवियस वीडियोस को देख के आप सीख सकते हो सो so, यहाँ पे तो मैं सिर्फ कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ सो हाइबरनेट के प्रोजेक्ट की मैंने एक कॉपी क्रिएट किया यहाँ पे सपोज इसको मैं नाम दे रहा हूँ एच बी एम क्रड ऐप ये जो हाइबरनेट का एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया आ, यह एक मेबन प्रोजेक्ट है मेबन प्रोजेक्ट में पोम डॉट एक्सएमएल फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है सो इट्स ओके इसमें जो माइस्कल की मेवन डिपेंडेंसी है हाइबरनेट की मेबन डिपेंडेंसी वो ऑलरेडी इंसर्टेड है सो वी विल नॉट डिस्कस इट इन डिटेल देन हाइबरनेट की सी फाइल भी ऑलरेडी क्रिएटेड है और इस प्रोग्राम में जो हाइबरनेट बीन क्लास है वो भी ऑलरेडी क्रिएटेड है हालांकि बीन क्लास को हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो so, एम्प्लाय नाम से हमने बीन क्लास क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टीज है ई एम पी आई डी ई एम पी नेम बेसिक सैलरी डिपार्टमेंट एंड ज्वाइन डेट ओके और एम्प्लाय बीन को हमने एट द रेट एंटिटी अनोटेशन से अनोटेट किया हुआ है और एट द रेट टेबल और को यूज़ करके हमने इस एंटिटी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा बेस टेबल होगा उसका नाम स्पेसिफाई किया जो कि ई एम पी है एंड देन यहाँ पे आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी जो है वो ई एम पी आई डी है और उसकी वैल्यू जिस कॉलम में जाएगी उस कॉलम का नाम है ई एम पी अंडर स्कोर आई डी एंड अदर थिंग्स आर रिटर्न ओवर हियर ओके सो हमारा जो हाइबरनेट बीन क्लास है वो भी ऑलरेडी क्रिएटेड है नाउ वी आर कमिंग टू द मेन क्लास मेन क्लास पे आते हैं मेन क्लास में हाइबरनेट का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है सो so, यह कोड भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में यह डिस्कस कर चुके हैं द ऑनली इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉट हाउ टू यूज द सेव मेथड सो दैट वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड सो सेव मेथड को यूज़ करने के लिए जब हम हाइबरनेट का ये कोड लिख लेंगे उसके बाद में बीन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें कंटेंट मैंने दे दिया है आईडी डी वन है नेम शिवा है देन बेसिक सेलरी हमने दे दिया डिपार्टमेंट दे दिया डेट uh, भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया देन हाइबरनेट सेशन ऑब्जेक्ट पे मैंने सेव मेथड कॉल किया हुआ है और इस सेव मेथड को मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया फाइन सो दैट द रिकॉर्ड कैन बी इंसर्टेड नाउ सी एफ जी फाइल में पहले हम एक चीज क्रिएट कर लें यहाँ पे डी डी एल स्कीमा में हम क्रिएट लिख देते हैं सेव द सी एफ जी फाइल कम बैक टू द मेन क्लास और इसको हम रन करके देखें और देखेंगे कि रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं सो रन एज एप्लीकेशन ओके लुक हियर इंसर्ट क्वेरी इज रिटर्न है ना ध्यान से देखें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिख दिया है ये इंसर्ट क्वेरी बिकॉज ऑफ द सेव मेथड इसका मतलब है कि डेटाबेस में एक रो इंसर्ट हो गया है इसको हम चेक भी कर लें so, सो का कंसोल ओपन करें और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी लुक हियर है ना एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है फाइन सो दिस इज हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड यदि आप चाहते हैं तो एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करके देख लें सो so, उसके लिए यहाँ पे हमें आईडी चेंज करना पड़ेगा आईडी सपोज मैंने दिया है टू नेम भी चेंज कर लें डिपार्टमेंट भी चेंज कर लेते हैं सैलरी भी यहाँ पे हम चेंज कर दें सेव इट एंड वन मोर थिंग यहाँ जो सी फाइल में DDL स्कीमा क्रिएट है इसको अपडेट कर दें यदि DDL स्कीमा से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं नाउ कम बैक टू द मेन क्लास एंड रन द प्रोग्राम सो जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया अगेन द इंसर्ट क्वेरी इज रिटर्न और जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस टेबल में इंसर्ट हो गया होगा सो लेटेस्ट चेक इट एंड लुकियर सेकेंड रिकॉर्ड इज ऑल्सो इंसर्टेड ओके सो यूजिंग सेव मेथड हम बीन के कंटेंट को डेटा बेस में सेव कर सकते हैं ओके okay? एक रो इंसर्ट कर सकते हैं ना नेक्स्ट मेथड इज अपडेट मेथड तो यहाँ पे हम अपडेट मेथड डिस्कस करें सो सेव मेथड की जगह हमें अपडेट मेथड कॉल करना है तो हाइबर नेट सेशन पे मैंने अपडेट मेथड कॉल किया और ई एम पी का ऑब्जेक्ट उसको एज ए आर्गूमेंट प्रोवाइड कर दिया है अब यहाँ पे आई डी हमने दिया है टू अप टू आई के करस्पॉन्डिंग जो भी कंटेंट यहाँ पे आप दोगे वह कंटेंट डेटा में अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे मैं नाम बदल दे रहा हूँ शिव की जगह मैंने लिख दिया राम और यहाँ पे भी एट एट कंटेंट में हमने चेंज कर दिया सी की जगह लेटेस्ट से मैंने आई लिख दिया ना लेटेस्ट चेक इट तो टू आई के करस्पॉन्डिंग ये डेटा चेंज होगा कि नहीं हम देखें सो रन द एप्लीकेशन

डिपार्टमेंट चेंज हो गया ई एम पी का नाम भी चेंज हो गया और डेट भी ऑब्वियसली डेट वही रखा है बट देन ओनली उसमें भी चेंज आ गया सो so, इस तरीके से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं अब हम डिस्कस करेंगे डिलीट मेथड सो अब मैंने डिलीट मेथड कॉल किया वही हाइबरनेट सेशन पे हमने डिलीट मेथड कॉल कर दिया और उसको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऐसे आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया है बट यहाँ ध्यान रखना कि जब डिलीट मेथड कॉल करोगे और उसको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आप पास करोगे तो उसमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में सभी रिकॉर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है रहेंगे तो चलेगा देर इज नो प्रॉब्लम बट सिर्फ आईडी जरूरी है यहाँ पे यानी आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया है टू सो टू आईडी के करस्पॉन्डिंग यदि कोई रिकॉर्ड डेबल डेटाबेस टेबल में प्रेजेंट होगा तो वह डिलीट हो जाएगा ओके okay? पूरा कंटेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है सो so, मैं भी सिर्फ यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में अब टू आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी रिकॉर्ड डेटाबेस टेबल में होगा वह डिलीट हो जाएगा सो लेटेस्ट रन द प्रोग्राम नाउ और यहाँ पे देखें पहले सिलेक्ट क्वेरी फायर हुआ और उसके बाद में डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है उसमें वेयर कंडीशन में यूम पी आई डी इक्वल समथिंग भी लिखा हुआ है अब हम डेटाबेस टेबल में चेक करें कि uh, यहाँ पे uh, जो टू आईडी के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं सो so मैस्किल का कंसोल विंडो ओपन किया सिलेक्ट क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट किया एंड जस्ट लुक हियर वन आईडी डी के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट है बट टू आई डी कास्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड था वह डिलीट हो चुका है ओके सो दिस इज हाउ टू यूज द डिलीट मैथड टू डिलीट द रिकॉर्ड अब हम रिकॉर्ड uh, को सिलेक्ट करके देखें उसके लिए हम जैसा जानते हैं uh, कि गेट मेथड या लोड मेथड यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज करूंगा सो हाइबर नेट पे हम गेट मेथड कॉल करें सो एस डॉट गेट इज रिटर्न गेट मेथड में पहला जो आर्गुमेंट होगा वह बीन क्लास होगा एम्प्लॉय डॉट क्लास हमने दिया एंड देन यहाँ पे होगा आईडी जिसके करस्पोंडिंग हमें रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो नहीं वन के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है सो so यहाँ पे मैं वन दे दूंगा सो आई डी वन के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे अब यह जो गेट मेथड है इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट क्लास है सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस तो इसको वापस एम्प्लॉय क्लास में कॉस्ट करने के लिए हमें डाउनकास्टिंग करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे डाउनकास्टिंग करने के लिए लिख दे रहा हूँ ब्रेकेट में एम्प्लॉय एंड देन जो सिलेक्टेड कंटेंट है उसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन में ई एम पी को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया ओके नाउ लेटेस्ट रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे सो सिलेक्ट वेरी लिखा गया यह जो क्वेरी लिखा गया है इसमें वेयर कंडीशन भी दिया है है ना जहां पे आईडी के के रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ ओके okay? समथिंग और जो रिकॉर्ड सिलेक्टेड रिकॉर्ड है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया देखो वन श्री वन समथिंग फाइन सो इन दिस वे वी कैन सिलेक्ट द रिकॉर्ड्स ओके तो यहाँ पे ध्यान रखा गेट मेथड में सबसे पहले आपको बीन का टाइप स्पेसिफाई करना है एम्प्लॉय डॉट क्लास जैसे मैंने लिखा एंड देन आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी की वैल्यू देना है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है सो गेट मेथड इस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट करेगा फिर एक बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और वो बीन का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देगा नाउ द सेम थिंग कैन बी डन यूजिंग द लोड मेथड तो यहाँ पे देखें मैंने गेट मेथड की जगह लोड मेथड लिख दिया लोड मेथड का जो सिग्नेचर है वह बिल्कुल गेट मेथड के जैसी ही है मतलब पहला आर्ग्यूमेंट आपको बीन क्लास का टाइप देना है दूसरे में आपको आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी की वैल्यू देना है सो दैट रिकॉर्ड कैन बी सिलेक्टेड ओके सो लेटेस्ट रन इट नाउ क्वेरी फायर हुआ इसमें भी वेयर कंडीशन बराबर लिखा हुआ है एंड जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड पे डिस्प्ले uh, भी हो गया सो so, इस तरीके से हम यूजिंग गेट मेथड और यूजिंग लोड मेथड रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं फाइन सो so, यहाँ पे हमने प्रोग्रामेटिकली डिस्कस किया कि कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए सेव मेथड रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड और रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए गेट या लोड मेथड को यूज कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो